Assalamu alaikum student, today is our lecture 15. First of all, how are you? कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? So, क्या पढ़ा आपने? कुछ पढ़ के आए हैं घर से आज? पिछले lecture revise हो रहे हैं? Okay, good. So far financial reporting and analysis, आपको idea हो गया होगा हम किस तरफ जा रहे हैं? रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, जब कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनल टच दे रही होती हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन आपके इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कहते हैं. रिपोर्टिंग जो है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो अगर कंपनीज अपने स्टाइल से करने शुरू कर दें तो हर कंपनी की जो रिजल्ट्स हैं यूजर्स के लिए, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, इसका मेन एडवांटेजेस या मेन बेनिफिशियल या मेन ऑब्जेक्टिव किसके लिए, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही इंफॉर्मेशन देना, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, रिलायबल इंफॉर्मेशन देना, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देना, टाइमली इंफॉर्मेशन देना, बिकॉज ये उनके डिसीजन मेकिंग के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल, आप यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के. यूजर्स कौन से हैं? वी डिस्कस मैनी टाइम्स. मेन यूजर्स जो हैं आपके इन्वेस्टर्स, आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स. अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, कोई भी बिजनेस है, एयरलाइंस, ओके. कंपनी बी है, वो भी सेम इंडस्ट्री, एयरलाइंस. अब ये कंपनीज अपने फिक्स एसेट को कैसे रिपोर्ट कर रही है, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है? अगर नहीं कर रही, उसकी रिपोर्टिंग डिफरेंट होगी. ये कंपनी अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है, इसकी रिपोर्टिंग डिफरेंट होगी. इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जब हम रिपोर्टिंग का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब हम रिपोर्ट कर रहे हैं चीज को. किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? यूजर्स को. यस, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं. यूजर्स में बैंक्स भी हैं, कस्टमर भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, शेयर होल्डर्स भी हैं, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स भी हैं, सो एम्प्लॉयज भी हैं, टॉप मैनेजमेंट भी है. जब आप रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. हम पढ़ते आ रहे हैं, आपने देखा हमने इनटेंजिबल एसेट्स को कैसे शो करना है, कैसे रिपोर्ट करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, हमने उस पर स्टैंडर्ड पढ़ा. रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज कर रही हैं, क्या वो बैलेंस शीट में लाएंगी या आईएएस में लाएंगी, सब किस कहाँ से गाइडलाइंस आई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए. अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस चीज के ऊपर नहीं है, फिर एक एम्बिग्यूटी सी क्रिएट हो जाती है, एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, यूजर्स उस पर रिलाय नहीं कर सकते. लेकिन अब ऑलमोस्ट हर चीज के ऊपर स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग गाइडलाइंस है. उसमें अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, उसमें अपडेशन अपडेट उसको करते रहते हैं. क्यों? कोई भी केस आता है, कोई सिनेरियो होता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें ये एक्सपीरियंस होता है कि स्टैंडर्ड यहाँ पे लिमिटेड है, स्टैंडर्ड इस चीज को कवर नहीं कर रहा, फिर उस पर न्यू स्टैंडर्ड आया था, उसको अपडेट कर देते हैं. और वो भी हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं. पहले डिस्कशन पेपर होता है, आप डिस्कशन की जाती है, फिर अगर डिस्कशन पेपर में पास हो जाता है, नेक्स्ट स्टेज एक्सपोजर ड्राफ्ट ईडी, एंड देन आफ्टर ईडी इज अ स्टैंडर्ड. सो वो उसमें स्टेजेस हैं और टाइम भी लगता है. सो आई थिंक मैं इसीलिए आपको शुरू में थोड़ी सी चीज़ बता रहा हूँ कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आ रही है. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या? आपकी आपके लेजर से, आपके डबल एंट्री से,
जर्नल्स है, लेजर्स लेजर्स है, ट्रायल बैलेंस है, आईएएस एंड एसएफपी एंड कैश फ्लोज एंड नोट्स। तो जब ये सब हो रहा है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के टाइम आप जब उसको फाइनल टाइज देते हैं तो यू मेक श्योर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बीइंग फॉलोड, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रही, राइट। सो ये बताएं कि लास्ट टाइम आई थिंक इन आवर लास्ट लेक्चर लेक्चर 14 वी डिस्कस्ड इम्पेयरमेंट, डिड वी? आपको याद होना चाहिए। सो थोड़ा बहुत मुझे बताएं कि हमने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IS 36, इम्पेयरमेंट क्या होती है? एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट लेक्चर कि हम लोग MBA के इंटरव्यूज लेते हैं, MBA जॉब्स पे जाते हैं, हमें फीडबैक मिलता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट कंपनीज के डायरेक्टर्स और HR पैनल्स वो फीडबैक देते हैं, मेरे खुद कहीं से इंटरेक्शन होती है, बिलीव करें वो कहते हैं कि अच्छे ग्रेजुएट्स, अच्छी यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स MBA करके आते हैं, व्हेन वी आस्क देम इन द इंटरव्यू प्लीज टेल अस द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, नॉर्मली दे ब्लैंक आंसर ही नहीं कर सकते। आप सोचें आप MBA करके जा रहे हैं, आपका इरिस्पेक्टिव का आपका आपने MBA HR में किया है, मार्केटिंग में किया है, IT में किया है, फाइनेंस में किया, अकाउंट्स में किया, ये चीज़ आपको आपसे मार्केट में एक्सपेक्ट की जा रही है, तो ये चीज़ आप जब करें आपको पता हो इम्पेयरमेंट क्या होती है। मैंने लास्ट लेक्चर में कितने हमने डेप्थ में जाके इसको बार बार रिपीट किया, आप लेक्चर देखें, बार बार रिपीट किया है, और आई थिंक अब आपको आपकी हार्ड डिस्क जो है ना इसमें क्लियर हो जानी चाहिए कि इम्पेयरमेंट क्या होती है। सो मुझे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स IS 36 इसमें क्या चीज़ हमने हमने डिस्कस किए, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कौन बताएगा? ओके जी, ये सबसे आगे आज मेरे जो फ्रेंड बैठे हैं आप बताएं, हमने IS में कुछ 4-5 पॉइंट्स थे, जस्ट जनरली देख के भी बेशक बता दें लेकिन आपको आने चाहिए क्या चीज़ थी। गुड, स्कोप, डेफिनेशन, वेरी गुड। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IS हमने डिस्कस किया था, डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यूज, ये हमने डिस्कस किया था, ये था ना। अब आप देखें अगर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आप पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, आप मुझे बताएं इन 5 में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ IS 36 अगर आप वैसे डिस्कशन में बताते हैं कि IS 36 डील्स इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, द अदर पर्सन गेट्स इंप्रेशन कि यार इसको कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत नो हाउ है, सो दिस इट गिव्स वेरी गुड इंप्रेशन टू अदर्स। डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट इज वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मेजरमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है उसकी डेफिनेशन, उसकी मेजरमेंट, इम्पेयरमेंट की इंडिकेशंस क्या हैं, कैसे पता चल रहा था कि एसेट इम्पेयर्ड हो रहे हैं, और एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू क्या है, और ये चीज़ें अगर आप आपस में डिस्कशन में मिलाएं, वन बाय वन डिस्कस करें, नोट्स देखने के बाद, नोट्स पढ़ने के बाद, सेल्फ स्टडी के बाद, थोड़ी सी रिसर्च के बाद, आई एम वेरी मच श्योर इट वॉन्ट टेक मोर देन 25 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स ईच पॉइंट यू कैन डिस्कस इन 5 मिनट्स, तो आपके यहाँ बहुत अच्छी डिस्कशन होगी है, हमें बड़ी सी बहुत सी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, सो कौन से एसेट्स हैं जो IS 36 के डोमेन में नहीं आते, कौन से एसेट्स हैं जो IS 6 से एक्सक्लूड हैं, उसकी डोमेन में नहीं आते? यस माई फ्रेंड सिटिंग ऑन द राइट विद ग्रीन एंड ब्लैक शर्ट, ग्रीन एंड ब्लैक, यस यू, आप पहले ये बताएं कि आपको आपने स्टडी की है, लेक्चर वाइज किए हैं, ओके गुड, एंड आपको समझ आ रही है इम्पेयरमेंट, लास्ट लेक्चर समझ में आया है, पढ़ा है, एक्सीलेंट, गुड। बताएं फिर कौन सी चीज़ें हैं जो IS 36 से एक्सक्लूड होती हैं। ओके, आपने
ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्डर में बताएं, जब आपको पता है ऑर्डर में नाम भी बताएं, वैसे ही बताएं। ओके, यस, गुड, डेफर्ड टैक्सेशन, वेरी गुड। ओके, कोई बात नहीं, 560 आपने 3-4 बता दिए, इसका मतलब यू आर देयर, यू आर ऑन द बोर्ड, ठीक है ना, आपको चीजें को, वेरी गुड, आपने बताएं, यू स्टार्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, एक्सक्लूडेड एसेट आईएस 36 अप्लाइज ऑल एसेट्स अदर देन स्टॉक इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, एसेट अराइजिंग फ्रॉम बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, फाइनेंशियल एसेट्स अंडर आईएस 32 जो आते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, नॉन करंट एसेट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, गुड। ये चीजें जो है वो एक्सक्लूड हैं, ये आईएस 36 में नहीं आती, इन पे इम्पेयरमेंट ऑफ आईएस 36 नहीं है, लेकिन ये चीज आउट नहीं, ठीक है। अब माय फ्रेंड यू, यस, आप सिंपल डेफिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट बता दें क्या है, व्हाट इज इम्पेयरमेंट, व्हाट इज मीन बाय इम्पेयरमेंट। अब देखें ना, आप एमबीए कर रहे हैं, कुछ आपने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप मीटिंग में बैठते हैं, किसी डॉक्टर से बात हो रही है, किसी आपके सामने नॉन फाइनेंस पर्सन है, जो उसका बैकग्राउंड ये नहीं है, वो पूछ रहे इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट आप कर रहे हैं, इम्पेयरमेंट होती क्या, पहले मुझे ये बता दें, यस आई नेवर हर्ड दिस टर्मिनोलॉजी बिफोर, सो आपको तो पता है, बिकॉज यू डन एमबीए, यू आर डूइंग एमबीए एंड यू विल डू गो इन अ मार्केट इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू मंथ्स, सो आपको एक्सप्लेन करना होगा इम्पेयरमेंट जस्ट इन सिंपल वर्ड्स, जी बताएं। ऑलराइट, आपने फार्मूला बता दिया, मतलब इक्वेशन बता दी, गुड, उसी को आप एक्सप्लेन लिख सकते हैं, एन एसेट इज इम्पेयर्ड व्हेन इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द वैल्यू करंटली शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, द एसेट्स कैरिंग वैल्यू, एन एसेट इज इम्पेयर्ड इफ इट्स रिकवरेबल अमाउंट इज बिलो द वैल्यू करंटली शोन ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, द एसेट्स करंट कैरिंग वैल्यू, गुड। वैसे इसका फार्मूला क्या था, इक्वेशन क्या थी, करंट वैल्यू और बुक वैल्यू जब ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू हो जाए, जिसको हम रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, यही था ना, बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, गुड। ये चीज आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई बट एनी वे, आज हम देखेंगे रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एन इम्पेयरमेंट के कैसे रिकग्नाइज करते हैं इम्पेयरमेंट को, मेजरमेंट कैसी है इम्पेयरमेंट की, वेयर देयर इज एन इंडिकेशन, वेयर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट एंड इम्पेयरमेंट रिव्यू शुड बी कैरिड आउट। हमने पढ़ा था इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, कैसे क्या इंडिकेशंस होती हैं, जहां पे भी आपको इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट हो वहां पे इम्पेयरमेंट रिव्यू फौरन कैरिड आउट करना चाहिए, ये नहीं देखना कि इम्पेयरमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स के ये कंसेप्ट होते हैं कि इम्पेयरमेंट रिव्यू जो है वो साल के आखिर में होती है, एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, यस एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, बट अगर ड्यूरिंग द ईयर ये इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए, ये इंडिकेशन आपको मिले कि एसेट इम्पेयर्ड हो रहा है, आप उस वक्त भी एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे, और उसके बाद एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू वैसे ही करना है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन होने को जा रही हैं, उस टाइम पे भी ऑडिटर्स मैनेजमेंट से रिक्वायर्ड करते हैं कि एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू किया जाए एसेट्स का एनुअल इम्पेयरमेंट रिव्यू किया जाए जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने फाइनल टच पे होती हैं
उस टाइम पे ऑडिटर्स मेक श्योर करते हैं कहीं एसेट इम्पेयर तो नहीं है. बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम स्टार्ट ऑफ द ईयर मिड ऑफ द ईयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई इंडिकेशन आपको मिल रही है कोई मिली है तो आपको उसी वक्त इम्पेयरमेंट रिव्यू करना चाहिए. द रिकवरेबल अमाउंट शुड बी कैलकुलेटेड. आपको कैसे करेंगे आपको रिकवरेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी चाहिए क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको आप कंपेयर करेंगे अपनी बुक वैल्यू से कैरिंग वैल्यू से. अगर रिकवरेबल अमाउंट जो है वो लेस हो गई है बुक वैल्यू से एसेट इम्पेयर्ड है. रिकवरेबल अमाउंट आपकी 80 है आपका एसेट बुक में 100 है तो आपकी इम्पेयर्ड हो गया एसेट इम्पेयर्ड हो गया. द एसेट शुड बी रिटर्न डाउन टू रिकवरेबल अमाउंट. अगर ड्यूरिंग द ईयर आपने देखा या इवन एंड ऑफ द ईयर जब भी आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू किया आपका एसेट जो है वो बुक वैल्यू 100 है और इसकी रिकवरेबल अमाउंट 80 है तो आपने बुक वैल्यू को 80 पे लेके आना है. द एसेट शुड बी रिटर्न डाउन टू द रिकवरेबल अमाउंट. आपने उसको रिटर्न डाउन करके रिकवरेबल अमाउंट पे लाना है. द इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट. जो आपको लॉस हुआ है इम्पेयरमेंट लॉस हुआ ना आपको आपकी बुक वैल्यू 100 थी और रिकवरेबल अमाउंट वो 80 है ठीक है आपने उसको डाउन करके 80 किया है बराबर किया है 20 का लॉस आपको हुआ है वो लॉस आप इमीडिएटली रिकग्नाइज किस में करेंगे IS में चार्ज करेंगे. द इम्पेयरमेंट लॉस शुड इमीडिएटली रिकग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट. तो ये पार्ट था रिकग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट. ओके थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इंडिकेशन हो इम्पेयरमेंट की आपको फौरन इम्पेयरमेंट रिव्यू करना चाहिए वेट किए बगैर के साल के आखिर में करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर दोबारा हो जाएगा. लेकिन हाँ अगर आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू किया सबसे पहले आप रिकवरेबल अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड स्टेप आप अगर रिकवरेबल अमाउंट आपको पता चला कि कम है और एसेट की वैल्यू ज़्यादा है बुक में आप उसको एसेट को उस वैल्यू पे लेके आएंगे और जो लॉस होगा वो आप इनकम स्टेटमेंट में रिकग्नाइज कर देंगे चार्ज कर देंगे. यस गुड. द ओनली एक्सेप्शन टू दिस इफ द इम्पेयरमेंट रिवर्सेस अ प्रीवियस गेन टेकन टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व. इन दिस केस द इम्पेयरमेंट विल बी टेकन फर्स्ट टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व अंटिल द रिवैल्यूएशन गेन इज रिवर्स्ड एंड देन टू द इनकम स्टेटमेंट. अब आपको लॉस हुआ है किसका 20 का जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए लेकिन आपने कहीं प्रीवियसली जो है आपको गेन हुआ था आपको गेन हुआ है और आपने रिजर्व्स में रखा हुआ है. आप जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स करते हैं ना आपको गेन होता है लॉस भी हो सकता है. आपका रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ है रिजर्व्स अकाउंट में तो जो आपको अभी आपने दोबारा इम्पेयरमेंट रिव्यू किया है उसमें अगर लॉस हुआ है तो वो लॉस पहले उस रिजर्व अकाउंट में जाके उसके साथ ऑफसेट होगा और अगर ऑफसेट के बाद अमाउंट और लॉस की ज्यादा है फिर वो चार्ज होगी. इन दिस केस द इम्पेयरमेंट विल बी टेकन फर्स्ट टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व अंटिल द रिवैल्यूएशन गेन इज रिवर्स्ड एंड देन टू द इनकम स्टेटमेंट. इसको मैं थोड़ा सा यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ. इसकी एग्जांपल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे लिख लेता हूँ आपका रिवैल्यूएशन में गेन हुआ है ठीक है गेन आपने एसेट को रिवैल्यू किया है आपको गेन मिला है और वो गेन जो आपके रिजर्व्स अकाउंट में पड़ा हुआ है कहाँ पे रिजर्व्स अकाउंट में. फॉर एग्जांपल वो रिजर्व्स में कितना पड़ा हुआ है 100 अंडरस्टैंड. आपने एसेट को रिवैल्यूएट किया है लास्ट ईयर किया होगा जब भी किया है उसमें आपको गेन हुआ है. क्या हुआ गेन आपने गेन रिजर्व्स अकाउंट में रखा है और ये 100 है. अब आप यहाँ पे इम्पेयरमेंट रिव्यू किया है अभी आप इस ईयर आपने एक अपने किसी एक एसेट का इम्पेयरमेंट रिव्यू में आपको इंडिकेशन थी आपने इम्पेयरमेंट रिव्यू उसमें आपको लॉस हुआ है और लॉस कितने का हुआ है लेट्स सी लॉस्ट 50 का हुआ है. यस अब ये 50 आप अगर तो ये चीज नहीं है आपके पास पहले तो ये 50
ये 50 डायरेक्ट आईएस में चार्ज हो जाएगा, कैसे इनकम स्टेटमेंट में जो ये लिखा हुआ है, जो आपको ये बताया है द इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन द इनकम स्टेटमेंट, नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे आईएस में, आईएस में इनकम स्टेटमेंट में। बट अगर ये चीज है आपके पास रिजर्व्स रिवैल्यूएशन गेन एसेट के ऊपर ना, एसेट की रिवैल्यूएशन आपने की ना, एसेट रिवैल्यूएशन एसेट्स की, तो ये लॉस जो है पहले यहां पे ऑफसेट होगा, जो आपके पास गेन है इसमें से आप 50 करेंगे और ये 50 रह जाएगा, राइट और ये 50 यहां चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये गेन है हमारे पास, पॉजिटिव फिगर है ये, दिस इज पॉजिटिव। अगर ये गेन फॉर एग्जाम्पल फिर अगर ये नहीं है तो फिर तो आप डायरेक्ट आईएस में चार्ज करें। लेट्स सी लॉस, यहां पे सेकंड सिचुएशन ये है कि लॉस जो है वो हमारा कितना है, 500 का है, कितना है 500 का, तो हमारे पास गेन कितना था 100 का, हम इसमें 500 लेस कर देंगे तो लॉस कितने का हो गया 400 का, ये 400 हमारा नेगेटिव है, यस नेगेटिव है, इसको हम अपने आईएस में चार्ज कर लेंगे। तो सिंपल है स्टूडेंट्स कि अगर तो इम्पेयरमेंट लॉस जब हुआ है आपके पास रिवैल्यूएशन गेन है, रिजर्व्स अकाउंट है रिवैल्यूएशन का, उसमें ऑफसेट करें, अगर नहीं है डायरेक्ट आईएस में चार्ज कर दें। उसमें जब ऑफसेट करेंगे इट डिपेंड्स कि वहां पे कितनी अमाउंट पड़ी है और आपका लॉस कितना है। नंबर वन सिनेरियो में 100 है और 50 का लॉस है, स्टिल 50 वहां पड़े हैं तो आईएस में कुछ भी नहीं जाएगा। नंबर टू सिनेरियो में 100 है लेकिन लॉस 500 का है तो 400 बाकी रह गए, 400 चार्ज होंगे आईएस में। 500 लॉस था लेकिन लॉस 500 नहीं चार्ज होगा क्योंकि हमारे पास रिजर्व में 100 में, तो पहले उसको ऑफसेट करेंगे फिर यहां पे आएंगे। ओके आई होप आपको क्लियर है ये चीज। क्वेश्चन 1 रिकवरेबल अमाउंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अ कंपनी ओन्स अ कार दैट वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एट द ईयर एंड, इट इज बेरली यूजेबल सो द वैल्यू इन यूज इज एस्टिमेटेड एट ₹1000। कंपनी की कार थी, एक्सीडेंट हो गया लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, अब वो यूजेबल नहीं है और अभी उसकी वैल्यू इन यूज है एस्टिमेटेड ₹1000 एक्सीडेंट के बाद। हाउ एवर द कार इज अ क्लासिक एंड देर इज अ डिमांड फॉर द पार्ट्स, कार की अच्छी कार है, क्लासिक कार है, उसके पार्ट्स की काफी डिमांड है। दिस रिजल्ट्स इन अ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ ₹3000। उस तरह अगर हम करें वैसे तो उसकी वैल्यू यूज 1000 है, लेकिन जैसे वो क्लासिकल कार है, एक उसकी डिमांड्स की पार्ट है तो उसकी फेयर वैल्यू है लेस कॉस्ट टू सेल ₹3000। द ओपनिंग कैरिंग वैल्यू वॉज ₹8000 एंड द कार वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। जो कार की ओपनिंग वैल्यू थी वो 8000 थी और कार की जो लाइफ थी वो 8 ईयर्स थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो उसके पहले साल के आखिर में उसका एक्सीडेंट हो गया कार का। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कंपनी की कार थी, फर्स्ट ईयर के एंड में उसका एक्सीडेंट हो गया और आफ्टर एक्सीडेंट के बाद कार जो है वो उसकी यूजेबल वैल्यू 1000 है, लेकिन कंपनी की कार के पार्ट्स हैं वो काफ़ी वैल्यूएबल हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है 3000। ओपनिंग कैरिंग वैल्यू जो है, ओपनिंग कैरिंग वैल्यू ₹8000 है एंड द कार वॉज एस्टिमेटेड टू हैव, जब शुरू में कार ली थी उसकी ओपनिंग वैल्यू 8000 थी, 8000 थी और उसकी 8 ईयर्स की लाइफ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर थी। यस रिक्वायर्ड आइडेंटिफाई द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कार एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉस। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कार एंड एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड, आपको पता है ना, पहले आप देखें एसेट इम्पेयर्ड हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, रिकवरेबल अमाउंट क्या थी ये देखें, आपको बताया था कैरिंग वैल्यू जिसको हम बुक वैल्यू कहते हैं ग्रेटर देन
recoverable amount. greater than ये greater than का. अब आपको क्या कह रहा है, identify recoverable amount. आपने recoverable amount identify करनी है. और recoverable amount क्या होती है आपको बताया था जी, बोले good. higher of two things, value in use और fair value less cost to sell. अब आपसे सिंपल आप देखें कि आपको क्या क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने आइडेंटिफाई रिकवरेबल अमाउंट, आपको रिकवरेबल अमाउंट आइडेंटिफाई करनी है. कैसे करेंगे, इन आपको ये दो फिगर चाहिए और उनमें से आप हायर ले लेंगे. एंड एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड, मैंने आंसर ही आपको बता दिया है, तो अब आपने खुद करना है. गो अहेड, वेरी इजी क्वेश्चन. ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखें, वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन है. ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. आपने सब आप ये डायग्राम आपको खुद बनानी चाहिए थी, जो मैंने आपको आंसर में बना दी है इस सॉल्यूशन में. राइट, आई गेव यू फ्यू मिनट्स, करें इसको. बिल्कुल क्वेश्चन में ये चीजें दी हुई हैं. आपने फर्स्ट तो मैंने आंसर आपको बता ही दिया, आपने सिर्फ फिगर्स फाइंड आउट करनी है और बताना है रिकवरेबल अमाउंट ये है. सेकंड आपने बताना है एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड, कोई इम्पेयरमेंट हुई है नहीं हुई है. गो अहेड, गिव यू जस्ट फ्यू सेकंड्स, मैं देख रहा हूँ आपको. जी, आपस में साथ दो बैठे हैं, अपन डिस्कस कर सकते हैं, हेल्पलाइन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा शोर नहीं. ये चीज़ विद इन वन सेकेंड आपको आनी चाहिए. ओके, यस, ऑल डन, कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ करता हूँ, चले. ओके, सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट होती क्या है, आपको बता चुका हूं मैं. हायर ऑफ क्या है, टू थिंग्स, वन हेयर. हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसी है ना, सॉरी कॉस्ट टू सेल. अब आप मुझे ये बताएं, क्वेश्चन में वैल्यू इन यूज दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज ये दिया हुआ है, वैल्यू इन यूज कितना है, बोले 1000. तो मैं क्या लिखूं यहां पे, वैल्यू इन यूज कितना है, 1000, यही है. फेयर वैल्यू दी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दिया है क्वेश्चन में. फेयर वैल्यू, दिस रिजल्ट इन अ फेयर वैल्यू, देखें वर्डिंग तक दी हुई आपको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी लिखा हुआ है. रुपीज कितनी है, 3000. ओके, तो मैं क्या लिखूं यहां पे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, रुपीज 3000, ऐसे ही है. ऑलराइट,
हमने क्या मालूम करना, रिकवरेबल अमाउंट। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, हायर ऑफ इन दो में से जो हायर है, क्या हायर है, ऑफ कोर्स रुपीज 3000। देयरफॉर देयरफॉर रुपीज 3000 इज योर रिकवरेबल अमाउंट, दिस इज आंसर, दैट्स इट, गॉट इट। देख लें, मैं तो आंसर तो आपको पहले बता दिया था यहां पे, ये मैंने जो डायग्राम बनाई थी आपको बता दिया था, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। अब क्या करना है, अब ये बताएं कि एक और इंपेयरमेंट हुई या नहीं हुई, कैसे, कैरिंग वैल्यू कितनी है, इंपेयरमेंट कैसे होगी, अब हम देखेंगे इंपेयरमेंट क्या है, इंपेयरमेंट कैसे हुई है, इंपेयरमेंट ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि इंपेयरमेंट हो गई है। आपकी वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 3000, और आपकी प्राइस कितनी थी गाड़ी की, 8000। इंपेयरमेंट तो क्लियर नजर आ रही है, लेकिन कितनी इंपेयरमेंट हुई है ये हमने देखना है। ओके, आप पहले ये देखें गाड़ी की ब्रॉट फॉर वैल्यू कितनी थी, गाड़ी की जो शुरू में वैल्यू थी, ब्रॉट फॉरवर्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ कार कितनी थी, कार की वैल्यू, ये रुपीज में चले ऊपर ऐसे कर दें, कार जब आपने बाय आपने आपके पास थी, क्या वैल्यू थी कार की, द ओपनिंग वैल्यू इसको हम कहते हैं, ब्रॉट फॉर कैरिंग वैल्यू कितनी थी, 8000, ऐसे ही है 8000, ये वैल्यू थी आपकी गाड़ी की, गुड। यस, आपने गाड़ी कितना अर्सा इस्तेमाल की, एंड द कार वॉज एस्टिमेटेड टू हैव अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, 8 ईयर्स, अगर 8000 उसकी वैल्यू और 8 ईयर्स उसने करने हैं तो पर ईयर डेप्रिसिएशन कितनी होगी, यहीं पे कर लेना, 8 ईयर्स इज इक्वल टू 1000 पर ईयर, ये डेप्रिसिएशन होगी ना आपके 8 ईयर्स की लाइफ कार की, लेकिन कार यूज कितना अर्सा हुई है, अ कंपनी ऑन अ कार दैट वॉज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट एट द ईयर एंड, पहले साल के आखिर में होगी, तो डेप्रिसिएशन कितने साल की चार्ज होगी, जस्ट 1 ईयर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैकग्राउंड में आप कर सकते हैं 1 ईयर, 1 ईयर ही हुई है ना, कितनी हुई है, 1000, यस लेस, ये आपकी 7000 इज योर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इसको आप क्या कहते हैं, और कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, यस यही है। इंपेयरमेंट कितने की हुई है, इंपेयरमेंट जी कौन बताएगा मुझे, इंपेयरमेंट कितनी की हुई है, इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ है, इंपेयरमेंट लॉस जी क्यों भैया, तो सिंपल आपको बताना चाहिए, ये देखें कैरिंग वैल्यू क्या थी और कैरिंग वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू इसको हम कहते हैं, बुक वैल्यू और कैरिंग वैल्यू एक बात है, बीवी और सीवी कितनी है, 7000, ऐसी है ना, ये आपकी आगे माइनस रिकवरेबल अमाउंट, कितनी है रिकवरेबल अमाउंट, आपने भी कैलकुलेट किया खुद, 3000, क्या डिफरेंस है इसका, 7000 माइनस 3000, इंपेयरमेंट कितने की हुई है, आपकी कितनी बुक वैल्यू आपकी रिकवर अमाउंट से कितनी ऊपर है, 4000, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना हुआ, 4000, गुड।
और 3000 आ गया ये आपका। कैरी फॉरवर्ड रिकवरी अमाउंट आपसे पूछा गया था, एंड एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड, यस इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड 4000 इम्पेयरमेंट लॉस है ये। ओके सिंपल क्वेश्चन था आपका। एक गाड़ी है कंपनी की, कार है, एक्सीडेंट हो गया, जिस साल ली उस साल के आखिर में एक्सीडेंट हुआ, 8000 उसकी वैल्यू है और उसकी जो यूजेबल वैल्यू है वो 1000 है, लेकिन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल 3000 है आपसे सिंपल, और 8 ईयर्स की लाइफ है आपसे सिंपल पूछा गया रिकवरी अमाउंट कितनी है, एंड यू कैलकुलेटेड लाइक दिस। ये मैं आपको बता, कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरी अमाउंट हो, रिकवरी अमाउंट क्या है जब ये सिचुएशन हो, जब ये सिचुएशन हो, जब ये सिचुएशन हो एसेट इम्पेयर्ड हो जाता है, एसेट इम्पेयर्ड जब कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू ग्रेटर देन हो रिकवरी अमाउंट से। जो यहाँ पे क्लियर कट आपने देखा होगी है कि बुक वैल्यू क्या है 7000, ये 7000 है ऐसी है ना, दिस इज बुक ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का निशान आपको देंगे ग्रेटर देन 3000 रिकवरी अमाउंट एसेट इम्पेयर्ड हो गया। आपसे पूछा गया रिकवरी अमाउंट कितनी है, आपने रिकवरी अमाउंट भी बता दी, इम्पेयरमेंट कितनी हुई है, सो आपकी गाड़ी की प्राइस थी 8000, डेप्रिसिएशन 1 ईयर आपने लिए 1000, तो कैरिंग वैल्यू बुक वैल्यू जो है वो 7000 है राइट, और उसमें इम्पेयरमेंट लॉस कितना आपका हुआ है 4000 का, ये आपने इम्पेयरमेंट लॉस बताया। अब इसको आप यहां से इम्पेयरमेंट लॉस करते हैं 7000 बुक वैल्यू और इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे हुआ है आपका 7000 और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 3000, 3 और 7 का डिफरेंस कितना है, इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 4000 का, एंड दैट्स इट। ओके सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, आई एम श्योर कि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना होगी। ओके गुड, किसको समझ में आई है, सबको, वेरी गुड। अब मैंने एक एग्जाम्पल रखी उसको बिल्कुल डिटेल से पहले आपको एग्जाम्पल बताई, एग्जाम्पल को वैसे ही डिस्कस किया आपसे और ऑलमोस्ट उसको बताया कि इस तरह हल करना है, इस तरह सोल्यूशन है और आपको करके दिखाया है। आई थिंक इसमें कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए, आप आराम से, लेकिन जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आप प्लीज़ खुद करें, जब आप ये चीज़ खुद करेंगे, अभी आप मैं आपको आपके साथ बोर्ड पर करता जा रहा हूँ, लेकिन जब आप खुद करेंगे तो आप बिलीव करें आपको चीज़ बिल्कुल कहते ना सॉलिड हो जाएगी, आप उस अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। वैसे देखने में लगता है कि आप देख रहे हैं हाँ जी इस तरह, लेकिन प्लीज़ खुद करें, जब भी आप खुद करेंगे आप खुद कहेंगे सर हमें बहुत अच्छी समझ आ रही है। तो प्लीज़ इसको कुछ स्टूडेंट्स में देखें हमारे एक्सपीरियंस में, स्टूडेंट्स क्या करते हैं बहुत इजी लग रहा है सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वो उसको ठीक है थ्योरेटिकल साइड जो होती है वो मैं आपसे खुद कहता हूँ कि आप उसको रीड करें, डिस्कशंस करें और आपस में नॉलेज शेयर करें, लेकिन उसमें भी बाद में अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुलेट्स पॉइंट्स बना लेते हैं, आपने एक डिस्कशन की, आपके आपको कुछ दूसरों से नॉलेज गेन किया आपने, कुछ आपके अपने नोट्स से, लेकिन एट द एंड आप उसको कंक्लूड करते हैं, बुलेट्स पॉइंट बना लेते हैं कि आपको जब रिवीजन करेंगे आपको एकदम चीज़ जहन में आ जाएगी, ऐसे ही है ना। लेकिन जब न्यूमेरिकल्स में आते हैं, आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप कर रहे हैं, कंप्यूटेशन आपको करनी पड़ती है, उसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस में कि वो फर्स्ट टाइम देखते हैं हम कि मैथ रीड कर रहे होते हैं, बस रीड कर लिया सर हमें समझ में आ गई, रीडिंग से कंप्यूटेशन नहीं आती, जस्ट देखने से कंपटीशन ही आती है। हाँ आप देख रहे हैं टीचर कर रहा है, आप देख रहे हैं समझ रहे हैं पॉइंट्स गेन कर रहे हैं, उसके बाद यू नीड प्रैक्टिस, आपको खुद करनी होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप काफ़ी चीज़ें ऐसी भी में चीज़ें आती हैं जो क्लियर रहती हैं, और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
आप जब एग्जामिनेशन कंडीशन में कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे तो प्रैक्टिस करनी है आपने, और एग्जाम में तो आपको यू विल हैव टू राइट, यू हैव टू राइट, यू गॉट नो ऑप्शन. तो उस टाइम छोटे से पॉइंट पे स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं एंड देन बिकम पैनिक, पैनिक हो जाते हैं, हाँ ये सब बड़ा इजी था. इसलिए प्रैक्टिस खुद करें, प्रैक्टिस. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे ना, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप उसको करें, खुद करें. जब आपने खुद किए होंगे, आपने देखा होगा आपको और अच्छी तरह आए होंगे, और हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके जहन में हों, आपने शेयर किए अपने कोलीग से, आपको चीज़ क्लियर होगी. अगर आप उसको इजी समझ के, ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आए, एक टीचर का काम है आपको अच्छी तरह समझाना, आपको अच्छी तरह समझा रहे, आप देखते हो कहते इस लुक्स वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, हम कर लेंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जब आप करते हैं खुद, हो जाता है, लेकिन नहीं करेंगे, जस्ट रीड करके देखेंगे, स्टक हो जाएंगे. सो माई स्ट्रांगली एडवाइस इज प्लीज डू योर सेल्फ फर्स्ट, खुद करें, स्लेट पे करें, पेपर पे करें, बोर्ड पे करें, प्रैक्टिस करें. ओके, सो गो ऑन सेकेंड क्वेश्चन, हियर इट इज, रीड करें क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वाइट गुड. एन एंटिटी ओन्स अ प्रॉपर्टी विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर रुपीज 300,000. The property has been revalued to rupees 500,000, with the revaluation of rupees 2,000 being recognized as other comprehensive income and recorded in the revaluation reserves. Koi straightforward information hai. Company ki property hai. Aur originally wo kitne ki buy ki hai? 300,000, 3 lakh rupees ki. प्रॉपर्टी को रीवैल्यूड किया गया आफ्टर फ्यू ईयर्स, पता चला इसकी वैल्यू 300,000 नहीं है, इंक्रीज कर गई है, और इंक्रीज करके ये रुपीज़ 500,000 हो गई है, रुपीज़ 5 लाख हो गई है. कितना इंक्रीज हुआ? 200,000 का, 2 लाख का, विद रीवैल्यूशन ऑफ रुपीज़ 200,000 बीइंग रिकग्नाइज एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड रिकॉर्डेड इन द रीवैल्यूशन रिजर्व. रीवैल्यूशन रिजर्व में आपको 200,000 आपने रिकॉर्ड कर दिया. द प्रॉपर्टी हैज करंट कैरिंग वैल्यू ऑफ 4,60,000, बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज जस्ट बीन एस्टिमेटेड एट ओनली रुपीज 200,000. आपकी क्या सिचुएशन है? जो प्रॉपर्टी है उसकी कैरिंग वैल्यू, करंट कैरिंग वैल्यू कौन सी होती है? बुक वैल्यू, जो बुक में कैरी कर रहे हैं हम, वो 460,000 है. डेप्रिसिएशन वगैरह होगी उसके बाद 460. लेकिन अब मार्केट वैल्यू, जो रिकवरेबल अमाउंट है ऑफ द प्रॉपर्टी, हैज जस्ट बीन एस्टिमेटेड एट द रुपीज 200,000. तो पहली तो बात है, जब आपके पास इतना नॉलेज है, चीजें हैं, आप सिर्फ ये सेकेंड पैरा देख के आप बता सकते हैं कि एसेट जो है वो इम्पेयर्ड हो गया. क्या फॉर्मूला हमारा इम्पेयरमेंट का, आप बताएं. जी जी, आप सेकंड पे. एसेट इम्पेयर्ड कैसे होता है, क्या सिंपल इक्वेशन है उसकी? जी गुड गुड, आप कह रहे हैं बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट. गुड, और रिकवरेबल अमाउंट में हम क्या चीज लेके आते हैं? जी आप ही बताएं. टू थिंग्स, हायर ऑफ, गुड, वैल्यू इन यूज, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल. इसमें से जो हायर होती है उसको हम रिकवर अमाउंट कहते हैं, ये कहते हैं. अब ये सेकंड पेयर आप पढ़ रहे हैं, द प्रॉपर्टी हैज अ करंट कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू मीन बुक वैल्यू, ऑफ रुपीज 460,000, बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज जस्ट बीन एस्टिमेटेड एट ओनली रुपीज 200,000. सो आप देखें, आपकी कैरिंग वैल्यू जो बुक वैल्यू है वो है 460, और रिकवरेबल अमाउंट आपकी 200,000 है. इधर 4,60,000 या फिर 2 लाख. सो दिस इज वेरी क्लियर कि आपकी इंपेयरमेंट होगी, आपकी जो कैरिंग वैल्यू है ग्रेटर देन आपकी रिकवरेबल अमाउंट, एसेट इंपेयर्ड हो गया. करना क्या है? रिक्वायर्ड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट
एंड हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, जिसना मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया है। नॉर्मली मैं करता नहीं हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिया है, आप खुद रीड करें और आपको जो प्रीवियस नॉलेज है जो आपको बताया गया है, इम्पेयरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपको जो कुछ बताया गया आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन दिस इज माई स्टाइल, जब मैं क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा स्टूडेंट को असिस्ट करने के लिए कि क्वेश्चन देख के घबरा ना जाए, क्वेश्चन बड़ा, कभी भी क्वेश्चन देख के आप एकदम पैनिक ना हो जाए कि ये क्या है, इतना क्वेश्चन है, छोटा है, बड़ा ना हो, लेंथ और ब्रेथ से क्वेश्चन से पैनिक नहीं होना। आप नॉर्मली करना क्या चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैन आई वॉज स्टूडेंट, फर्स्ट गो ऑन रिक्वायरमेंट। अगर लेट्स सी मैं आपकी जगह होता, क्वेश्चन टू देखता, अभी पढ़ने से पहले मैं पढ़ लेता रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट एंड हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मेरे जहन में यह आया था कि पूछा क्या गया है, इम्पेयरमेंट की अमाउंट पूछी गई है, उसको ट्रीट कैसे करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये रिक्वायरमेंट है। अब फिर मैं क्वेश्चन पढ़ता। अब इसी तरह जब लास्ट क्वेश्चन था, यह अलग क्वेश्चन था, अगर आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट पढ़ लें, आइडेंटिफाई द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द कार एंड एनी इम्पेयरमेंट रिक्वायर्ड, तो फिर आप क्वेश्चन रीड करें। और एज आई सेड के साइज ऑफ द क्वेश्चन मैटर नहीं करता, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा साइज शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब आप रीड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन आपको पता है, क्या पूछा है कि इम्पेयरमेंट हुई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिपेयरमेंट। जब ये पूछा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट, थोड़ा सा आपको भी आईक्यू लेवल ही होना चाहिए, आपको ये पता चल गया कि इम्पेयरमेंट हो गई है, इम्पेयरमेंट है इसमें, लेकिन आप फिर भी एक्सप्लेन करते हैं इम्पेयरमेंट कैसे हुई। वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इम्पेयरमेंट की वैल्यू निकल आती है। सो यू आंसर्ड फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट होती किस तरह है, आप अगर वो फॉर्मूला भी लिखते हैं उसमें फिगर्स पुट करते हैं, दैट इज यू आंसर्ड, दिस मीन यू आंसर्ड फर्स्ट पार्ट। हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल आंसर, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है इसका, वी हैव डिस्कस दिस। सो पहले तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब ये बताएं होल क्लास किसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गुड, आप सब कह रहे हैं क्वेश्चन का मतलब है आपको, आपने क्वेश्चन किया पढ़ा है, मैंने आपके साथ रीड किया है और हमने एक एक चीज डिस्कस की है और क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब मुझे गिव यू जस्ट फ्यू सेकंड, आप इसका आंसर लिखें, आप इम्पेयरमेंट, हाउ मच इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट की अमाउंट चाहिए, अब आंसर देखें, इम्पेयरमेंट जो मैंने सिंपल आपसे डिस्कस किया, कैरिंग वैल्यू कितनी है, मोमेंट, दिस इज योर व्हाट कैरिंग वैल्यू सीवी, आपको दी हुई है, ये दी हुई है कैरिंग वैल्यू, करंट कैरिंग वैल्यू कितनी दी है, रुपीज 460, ऐसे ही है, ये आपकी कैरिंग वैल्यू आ गई। कैरिंग वैल्यू एसेट इम्पेयर्ड कैसे होता है, कैरिंग वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्या हो जाए, रिकवरेबल अमाउंट, यस, इसका क्या मतलब है इस सिचुएशन का, एसेट इम्पेयर्ड हो गया, एसेट इम्पेयर्ड हो गया, रिकवरेबल अमाउंट कहां पर है, द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी जस्ट बीन एस्टिमेटेड कितनी, 200,000, इसने दे दी है खुद ही, कोई ऐसी नहीं दी, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, टू फिगर्स दी हुई थी, वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, उसमें से आपने हायर लेनी थी, यहां पे उसने कुछ भी नहीं दी है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, नॉर्मली रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ टू थिंग्स, ऐसी है ना, वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स, ऐसे ही है,
लेकिन लास्ट क्वेश्चन में आपको याद है ना, ये दोनों अमाउंट्स दी हुई थी, ये अमाउंट भी और ये अमाउंट भी आपने हायर ले ली थी। इस क्वेश्चन में ये अमाउंट नहीं दिए, डायरेक्ट दे दिए रिकवरेबल अमाउंट, जो हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट क्या दिए, 20,000, 200,000 सॉरी। सो ये रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 200,000। क्लियर, आप देख रहे हैं कि कैरिंग वैल्यू, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, बुक वैल्यू किससे बढ़ गई है, ग्रेटर हो गई है रिकवर अमाउंट से। कितनी, हाउ मच इंक्रीज, 260। सो यू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट, अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट कितनी है, 260, 260,000। क्लियर, 260,000 आपकी इंपेयरमेंट हो गई है। ऑफ दिस 200,000 इज डेप्टेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू द रिवर्स द प्रीवियस अपवर्ड्स रिवैल्यूएशन एंड द रिमेनिंग 60,000 इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। आपसे पूछा गया था कि इस इंपेयरमेंट को फाइनेंशियल ट्रीटमेंट क्या होगा, एफएस में क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे चार्ज करेंगे। आप पहले ये देखें कि आपको गेन कितना हुआ था, गेन कितना हुआ था, 200,000 का, ऐसे ही है ना। आपको गेन कितना हुआ है, आप देखें, आपको गेन हुआ है, आपकी पहले वैल्यू थी 300,000, एसेट की वैल्यू कितनी थी, 300,000, और बढ़ के कितनी होगी, इंक्रीज कर गई, इंक्रीज इंक्रीज कर गई थी 500,000 से। तो आपको टू गेन हुआ था, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में होगा वो हुआ 200,000 का। अब लॉस कितना हुआ है, 260 का, तो आप यहाँ पे लॉस लिखते हैं, 260 का इंपेयरमेंट लॉस हुआ है। ठीक, जो आपने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, पहले ये अगर ये रिजर्व अकाउंट है, रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं, 200,000 पड़े हुए हैं, 200,000 आपके रिजर्व अकाउंट में। अगर आपको इंपेयरमेंट लॉस होता है, पहले आप उसमें ऑफसेट करते हैं, आपको कितना लॉस हुआ, 260 का, आपने ऑफसेट किया है, तो अमाउंट कितनी आ गई, 60। और ये चीज आपने, दिस थिंग यू विल चार्ज टू, ये माइनस में यू विल चार्ज टू आईएस इनकम स्टेटमेंट। एग्जैक्टली ये लिखा है, ऑफ दिस 200,000 इज डेबिटेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व टू रिवर्स द प्रीवियस अपवर्ड, प्रीवियस अपवर्ड कितना था, 200,000 का रिवैल्यूएशन, एंड द रिमेनिंग 60,000 इज चार्ज टू द इनकम स्टेटमेंट। सिंपल इज दैट, क्लियर। अच्छी एग्जाम्पल थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, बहुत क्वेश्चन भी हमने किया, क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू खुद करेंगे, इससे आपको समझ और ज्यादा आएगी। अभी भी जिस समय आपको बिल्कुल स्लोली एंड श्योरली करके कोशिश की कि आपको ये चीज अच्छी तरह आ जाए। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। अब इसी में इम्पेयरमेंट में एक स्मॉल सा एरिया आता है, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। व्हाट इज सीजीयू, कैश जनरेटिंग यूनिट। व्हेन असेसिंग द इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इट विल नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू बेस द इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस एसेट्स। समटाइम ऐसी इंडस्ट्री होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बहुत से एसेट्स होते हैं, और कुछ एसेट्स इतने स्मॉल स्मॉल होते हैं कि आप उसको इंडिविजुअल तौर पे नहीं देख सकते कि इनकी इंपेयरमेंट हुई है नहीं हुई है। व्हेन असेसिंग द इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, इट विल नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू बेस द इंपेयरमेंट रिव्यू ऑन इंडिविजुअल बेसिस। समटाइम इज पॉसिबल नहीं होता। अगर तो आपके पास एसेट ऐसे हैं जो इस साइज के हैं या इस ऐसे आइडेंटिफाइबल हैं कि आपको इंडिविजुअल आप उनके उनके ऊपर इंपेयरमेंट रिव्यू कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बट देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, मेनी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, उनके एसेट्स इतने छोटे छोटे भी हैं कि वो पॉसिबल नहीं है कि आप उन छोटे एसेट्स की इंपेयरमेंट रिव्यू करें। द वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन विल बी इम्पॉसिबल ऑन अ सिंगल एसेट बिकॉज द एसेट डज नॉट जनरेट डिस्टिंग्विशेबल कैश फ्लोज। अब आपके पास ऐसे छोटे एसेट्स भी पड़े हुए हैं, आप कोई प्रॉब्लम हो रही है डिस्टिंग्विश करने में कि इससे कितना कैश फ्लो हो रहा है, उसका कैश फ्लो आपको पता चलेगा तो आप इंपेयरमेंट देख सकते हैं।
right? So in this case, the impairment calculation should be based on a CGU basis. जब ये सिचुएशन हो कि आपके पास स्मॉल एसेट्स हैं या ऐसे एसेट्स हैं जिससे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि इस एसेट को कैसे देखेंगे, इससे कंपनी को कितना कैश फ्लो मिल रहा है, ये कंपनी के लिए काम तो कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कंपनी की, लेकिन हमें डिफिकल्टी हो रही है कि आइडेंटिफाई करने के पर्टिकुलर दिस एसेट हाउ मच कैश फ्लो वी कंपनी इज गेटिंग, कंपनी इज रिसीविंग. सो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, in this case the impairment calculation should be based on the cash generating unit. usko hum kehte hain ki aisi surat hal mein aap usko cash generating unit mein karte hain. cash generating unit hota kya hai? definition of cash generating units, a CGU is defined as the smallest identifiable group of assets, smallest identified group of assets which generates cash inflows independent of those of other assets. cash generating units aapko idea ho gaya hai hum kyun discuss kar rahe hain ki sometime kuch aisi industries hain jahan ke chote chote assets hain, un samay nahi pata chala ki chote asset kitna cash de rahe hain. jab ye situation ho to cash generating units unko keh dete hain hum, jo maine bataya. in this case the impairment calculation should be based on CGU. aur CGU kya hai? a CGU is defined as the smallest identifiable group of assets which generates cash inflows independent of those of others. example, इसकी आप देख लें. in a restaurant chain, एक restaurant उसके chain है. chain mean they have restaurants, many restaurants in the city, in different cities, in the same city काफी सारे restaurants हैं, chain है उसकी. the smallest group of assets might be the assets with a single restaurant. smallest group अगर आप देखना चाहें इसका small, but with mining company, एक mining company है जो mountains में coal और gold या gas find out कर रही है. but with a mining company, all the assets of the company might make up a single cash generated unit. अब oil company है या कोई भी mining company काम कर रही है mountains पे, जहाँ पे भी अपने sites पे काम कर रही है, वहाँ पे different के assets हैं, वो खुदाई में लगे हुए, डिगिंग में लगे हुए. हमें कैसे पता कि ये एसेट ज़्यादा काम कर रहा है, ये कम कर रहा है, इसकी इसकी कैश फ्लो होती है, प्रॉब्लम हो जाएगी ना. एक रेस्टोरेंट है, 10 रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक रेस्टोरेंट को, सिंगल रेस्टोरेंट जो है वो एक माइट बी एसेट विद अ सिंगल रेस्टोरेंट, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट. लेकिन जब माइनिंग कंपनी है, उसकी डिफरेंट मशीनें लगी हुई हैं डिगिंग में, राइट हम कैसे कह दें कि भाई ये मशीन है या ये इस तरह की मशीन है, ये ज़्यादा कैश इनफ्लो देती है, इससे ज़्यादा हमें पैसे मिल रहे हैं, इससे कम मिल रहे हैं, मुश्किल रहता है. तो उन सब मशीनों को इकट्ठा करके ऑल दी एसेट्स ऑफ द कंपनी माइट मेक अप अ सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट, उन सारों के हम सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट कर सकते हैं. आप समझ रहे हैं, उनकी इंपेयरमेंट अगर होगी फिर सबको इकट्ठा करके इंपेयरमेंट देखेंगे. राइट रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल डिफरेंट है, एक सिंपल एक रेस्टोरेंट उसकी एक ब्रांच को हम देखे कर सकते हैं इंपेयरमेंट. लेकिन माइनिंग का हम ये नहीं कर सकते एक 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 मशीन को उठाएं कहें जी इसकी वैल्यू, इससे कैश इनफ्लो कैश फ्लो इतना नहीं आ रहा तो ये इंपेयर्ड हो रहा है, तो ये डिफिकल्ट है. द इंपेयरमेंट, इसकी इंपेयरमेंट कैसी होती है? द इंपेयरमेंट कैलकुलेशन इज डन बाय सिंपल फार्मूला वही है, एज्यूमिंग द कैश जनरेटिंग यूनिट इज वन एसेट. हम उसको ज्यूम करते हैं कि वन एसेट है, माइनिंग की एग्जाम्पल दी है, उसमें 20 मशीन हैं, हम उसको सबको कंबाइन करके एक एसेट कंसीडर करते हैं, अज्यूमिंग द कैश जनरेटिंग यूनिट इज वन एसेट. कंपेयरिंग द कैरिंग वैल्यू ऑफ द सीजीयू टू द रिकवरेबल अमाउंट, वही कंसेप्ट हुई है, सीवी ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, एसेट इंपेयर्ड हो गया. पहले वैसे भी हमने इंपेयरमेंट यही देखी है, सीवी और बीवी इज ग्रेटर द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ सीजीयू, सिर्फ सीजीयू का वर्ड ज्यादा आया. एज प्रीवियसली एन इंपेयरमेंट एग्जिस्ट वेयर द सीवी एक्सीड्स द आरए रिकवरेबल अमाउंट. सो थोड़ा सा इसको आपको बताना जरूरी था, कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होते हैं. इसमें कुछ इंडस्ट्रीज हैं, मैंने आपको माइनिंग की एग्जाम्पल दी कि माइनिंग इंडस्ट्रीज में इंडिविजुअल एसेट्स को इम्पेयर उसका इंपेयरमेंट रिव्यू करना ज़्यादा डिफिकल्ट है. क्यों? हमें पता नहीं कि इंडिविजुअल एसेट से कितना रिटर्न आ रहा है या कितनी कंट्रीब्यूशन है उसकी कैश इनफ्लोज में. सो जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो आप सब एसेट्स को
माइनिंग की फॉर एग्जांपल, उसके सारे एसेट्स को वन एसेट कंसीडर करेंगे और फिर उस पे इम्पेयरमेंट रिव्यू करेंगे, और इम्पेयरमेंट रिव्यू सेम एज इट इज है जो पहले हमने पढ़ा है कि कैरिंग वैल्यू और बुक वैल्यू ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट हो जाए, एसेट इम्पेयर हो जाता है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई थिंक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स आपको आज और अच्छी तरह हो गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इम्पेयरमेंट. लेकिन प्लीज बेयर इन माइंड कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट एरिया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. इसके बगैर कहीं भी आप जाएंगे, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करेंगे, यू विल डेफिनेटली फाइंड द डिस्कशन ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, कि एसेट इम्पेयर्ड हो रहे हैं रिपोर्टिंग में, ये चीज़ क्लियर है या नहीं है. तो हमने इसको अच्छी तरह डिस्कस किया है और इसको टाइम दिया है, आप इसकी एक्सरसाइज भी खुद करें, सारी चीज़ें देखें. इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आप इसको और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे. सेल्फ स्टडी करें, रिसर्च करें थोड़ी सी इसके ऊपर, देखें कि आर्टिकल्स आए हैं, कुछ जर्नल्स आए हैं, पब्लिकेशंस हुई हैं, किसने लिखा है, क्या लिखा है इम्पेयरमेंट में. ये जो नॉलेज अभी आपके पास है, आपने गेन किया है, इसको आप अगर सही तरह डाइजेस्ट करें, इसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई पब्लिकेशन पढ़ेंगे इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के ऊपर, आई एम श्योर कि आपको वो समझ आ रही होगी. एंड एट द एंड डिस्कशन आपस में ज़रूर करें, ये है ये डिस्कशंस, ठीक है, ये आप डिस्कस करेंगे, आपके आपकी थॉट्स में चेंज आएगी, आपके आपके व्यूज़ चेंज होंगे, आपकी थिंकिंग एक डिफरेंट डायरेक्शन पे जाएगी, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग से नॉलेज इन्हांस होता है. जो दोस्त आपके साथ नॉलेज शेयरिंग नहीं करता, उसे दोस्ती छोड़ दें, राइट, वो आपके किसी काम का नहीं है. अगर वो समझ रहा है कि वो उसको आता है और वो नंबर ले लेगा, नो, आप सबको बताएं और ऐसे कुलीग रखें जो फेयर हों, आपके साथ नॉलेज शेयरिंग करें. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, इंशाल्लाह वी मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू.